दोस्तों आईपीएल 2024 के आगाज में अब महज 4 दिन बचे हैं। 22 मार्च से आईपीएल 2024 का आगाज हो जाएगा और पहला मैच चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच खेला जाना है। आईपीएल ओपनिंग मैच से पहले सीएसके की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। मतीशा पतिराना और डेवॉन कॉनवे पहले ही चोटिल खिलाड़ियों की लिस्ट में हैं और अब इस लिस्ट में मुस्तफिजुर रहमान का नाम भी जुड़ गया है। बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच 3 मैचों की सीरीज का आखिरी मैच चटगांव में खेला जा रहा है। इस मैच के दौरान बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान मैदान में कराते हुए दिखे, जिसके बाद उन्हें स्ट्रेचर पर लादकर मैदान से बाहर ले जाना पड़ा। सीएसके के कप्तान एमएस धोनी की टेंशन बढ़ सकती है क्योंकि तेज गेंदबाज मतीशा पतिराना पहले से ही चोटिल हैं। सीएसके फैंस को उम्मीद होगी कि मुस्तफिजुर रहमान की इंजरी ज्यादा सीरियस ना हो और फिर सीएसके की ओर से मैच खेलने के लिए उपलब्ध रहें। मुस्तफिजुर ने इस मैच में 9 ओवर में 39 रन देकर 2 विकेट चटकाए। वे अच्छी लय में भी नजर आ रहे हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है, मुस्तफिजुर रहमान आईपीएल में वापसी कर पाएंगे? कमेंट करके जरूर बताएं।